लॉकडाउन खत्म, कोरोना नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपिका शारदा और आप देख रहे हैं जनउदय। दिल्ली के शाबर डेयरी मार्केट लोगों की लापरवाही के चलते एसडीएम के आदेश पर 3 दिन के लिए बंद करवाई गई। यहां लगभग 100 दुकानें हैं और कुछ खुली हैं और कुछ बंद है। एसडीएम के आदेश के बावजूद लोगों की भीड़ यहाँ पर बरकरार है। आइए देखिए हमारी संवाददाता प्रिया की ये रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं साबर डेयरी की मार्केट में, जहाँ पर एसडीएम के आदेश पर 3 दिन के लिए मार्केट बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मार्केट बंद है। वहीं पर आधी मार्केट खुली भी है, पर लोगों का कहना है कि जब आधी मार्केट बंद की गई है तो आधी मार्केट खोली क्यों गई है। यहीं पे आधी मार्केट आप देख सकते हैं बंद है और आधी मार्केट आप देख सकते हैं खुली है, जहाँ पर प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं, ना ही मास्क है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोगों के अंदर अब खौफ का नाम रह ही नहीं गया, जिस कारण से ये मार्केट आधी बंद कर दी गई है 3 दिन के लिए। नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनउदय में। आज हम मौजूद हैं साबर डेयरी की मार्केट में। ये बात करते हैं यहाँ पर खड़े हुए व्यापारियों से, क्योंकि एसडीएम के आदेश पर 3 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी गई हैं। आइए जानते हैं उनसे क्यों बंद की गई है ये मार्केट। सर, 3 दिन के लिए ये मार्केट बंद की गई है, क्यों बंद की गई है? ये तो हमें नहीं पता क्यों बंद कर गई है, लेकिन बाकी पुलिस वाले आ गए, दुकानें बंद करवा दी, हमें करनी पड़ी दुकान। 3 दिन के लिए बंद की गई है, कहा गया है कि 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए। तो ये भीड़ भाड़ की वजह से करवाई है, भीड़ खत्म करवाओ वो तो होती नहीं है। अभी आपको शाम को देख लेना, यहाँ आप आओगे शाम को देख लेना, भीड़ तो वही रहेगी, दुकानें बंद रहेंगी, बस भीड़ तो वही है प्रॉपर। आप चाहे दुकान बंद हो या खुली हो, भीड़ वही रहेगी। तो क्या लगता है कि प्रशासन की गलती है इसमें? बिल्कुल है, बिल्कुल गलती है उनकी। भीड़ खत्म करवाओ, दुकानें बंद करवाने से कोई समस्या का हल है? कोई भी हल नहीं है इसका। ये हो सके प्रशासन को ही करवाना पड़ेगा, दुकानदार नहीं जाएगा किसी के पास। जो ये बीच में लगता है इसको हटवा दो, साफ करवा दो। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए कि आधी मार्केट खुली हुई है, पर वो क्यों खुली है? अब पता नहीं, वो पुलिस वालों से पूछो, हमारी क्यों बंद करवा दी, उनकी क्यों खुली है, तो पुलिस प्रशासन से पूछिए आप। इस बात का हम नहीं जवाब दे सकते। हमारे से तो बोल के गए सवेरे दुकानें बंद कर दो, 3 दिन के लिए दिखाई भी मत देना यहाँ। हमारे तो दिखाई देने पर भी रोक है यहाँ। सकता ही बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाइए ना इनको, ये इनको क्या छूट मिली हुई है? या हम क्या यहाँ क्या बेच रहे हैं? हम स्मैक गांजा क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? क्या बेच रहे हैं हम दुकानदार जो हमारी दुकानें बंद करवा रखी हैं? तो ये आप जाके आपने जिसको भी आपको शिकायत करनी है उसको करिए। देखो हमारी दुकानें बंद है और वहाँ खुली हुई है। आप इधर की साइड चले जाओ, पूरी मार्केट खुली है। इधर चले जाओ, पूरी खुली पड़ी है। सिर्फ हमारी दुकानें यहाँ से यहाँ तक बंद है। और अभी बाकी आप शाम को देख लेना, यहाँ भीड़ की वजह से बंद करे तो भीड़ को खत्म करो। दुकानें बंद करने से भीड़ थोड़ी ना है। दुकानों पे तो सिर्फ इक्का दुक्का है, पूरे दिन में कोई ग्राहक आ रहा है, कोई भीड़ का काम नहीं है। जो करवाना, जो भीड़ की समस्या है उसको हल करो, दुकानें बंद करना कोई इसका हल नहीं है। लगभग सर इस मार्केट में कितनी दुकानें हैं? लगभग मेन मार्केट में 100 दुकानें होंगी कम से कम। 100 दुकानें? हाँ जी। आधी दुकानें अभी फिलहाल खुली भी नहीं, जो मेन रोड पर तो सारी बंद है, जो साइड में है वो सारी खुली हुई है। मेन रोड पे भी उस साइड पर बहुत सारी दुकानें भी फिलहाल उस पर प्रशासन गया नहीं है, उसको छूट दे रखी है। सिर्फ ये मेन रोड यही निकलता अपना, तो इस पर ही दिक्कत होती है। जो होती है लॉकडाउन भी जो 2 महीने का हुआ था, सिर्फ यही मार्केट बंद हुई थी और कोई मार्केट बंद नहीं हुई यहाँ पर। क्या लगता है कि ये दुकानें बंद कर देने से क्या कोई हल मिलेगा? नहीं मैडम, मैं कोई हल नहीं मानता। भीड़ उतनी रहनी है, सिर्फ भीड़ दुकानों की नहीं है, रेहड़ी पटरी और सब्जी की भीड़ है, जो चौक पर भीड़ होती है, इसके कारण जो है यहाँ वो है भीड़, और कुछ नहीं है। दुकानदार कितने हैं? 2, 1 लड़का एक दुकानदार होता है, वो अपने अंदर रहता है, भीड़ रोड पे थोड़ी करता है जी। भीड़ तो रेहड़ी की वजह से हो रही है, सब्जी मंडी पे इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। प्रशासन शाम को आए ड्यूटी दे, कोई भीड़ नहीं होगी यहाँ पर। तो ये किसकी लापरवाही है जिस कारण ये भीड़ हो रही है? सर प्रशासन और अपनी हो रही है, पब्लिक खुद भी नहीं मास्क लगा रही है, ना दूरी का पालन कर रही है, तो होना ही होना है जो ये लॉकडाउन, तो होना ही है। फिर हमें अपनी जिम्मेदारी, हम दुकानदार अपनी ले सकते हैं, अपना मास्क हम रखते हैं दुकान पर प्रॉपर लगाए, बाकी पब्लिक की तो नहीं ले सकते हम गारंटी की मास्क लगाए ना लगाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लोकेश है। यहाँ पे आपकी दुकान है? जी मेरी खुद की दुकान है।
मगर एसडीएम के आदेश पर 3 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये दुकान खाली दुकान बंद करने से कोई फायदा नहीं है। अब दुकान बंद कर ली, मान लो सपोज दैट, चलो दुकान बंद कर ली, लेकिन ये जो ये भीड़ भाड़ है ये है, इसका भी तो कुछ देखा जाए ना। बिना इसके देखे खाली दुकान बंद करे, दुकान बंद करने से कोरोना बंद हो जाएगा? अब छोटा सा मैं सवाल करता हूँ, दुकान बंद करने से कोरोना बंद हो जाएगा? इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक ये पूरा ही पूरी तरह से बंद नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं हो रहा। जैसे पहले फर्स्ट टाइम लगा था ना लॉकडाउन, या तो वैसा किया जाए, अगर वैसा नहीं कर सकते तो फिर इसको खोल दो। ये दो चीज़ें, ये तभी हो सकता है, या तो खोल दो जिससे कि कहते भैया पब्लिक मरे जिए कोई दिक्कत नहीं है, या तो जो फर्स्ट टाइम जो किया था वैसा कर दो, तब तो कोई बेनिफिट है, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है जी। ये तो सिर्फ वो है जो जो दुकानदार किराए पे है ना, या दुकानदार खुद भी हैं, तो उनको उनके ऊपर बर्डन है ये, क्योंकि जो ये तो सबसे नीचे वाला वो परेशान नहीं है, और ऊपर वाला वो परेशान नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कर लेगा। जो बीच वाला जो बंदा है ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना तो भीख मांग सकता, ना किसी से हाथ फैला सकता, अपना भी काम उसका खुद का नहीं है। अब दुकान खुलेगी तब जाके उसके घर में चूल्हा जलेगा। अब तो जो कंडीशन हो गई, ये हाल हो गया है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। लोगों का कहना है कि या तो आधी मार्केट खोल दी जाए या तो आधी मार्केट बंद कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे दो तरफ दुकानें हैं और जिसमें से आधी मार्केट बंद है और आधी मार्केट खुली हुई है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं प्रिया तिवारी, जन उदय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।